हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है या सिर्फ होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं अभी सितंबर में जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए हम जो है कुछ बातें जो है वो डिस्कस कर लें जिससे हमारे और आपके दिमाग में ये सब चीज़ें रहें। क्योंकि हम अपनी सुरक्षा अगर करेंगे, हम अपना ध्यान रखेंगे, तो इसका मतलब ये रहेगा कि हम सामने वाले का या अपने आसपास वाले लोगों का या अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोविड से रिलेटेड हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो हम लोग बड़े बच्चे हैं, सब लोग कॉलेज में हैं, सब जागरूक हैं, सब अच्छे से जो है नियमों का पालन करते हैं, फिर भी हम एक बार जो है कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम टीचर्स पे भी एप्लीकेबल होगा, इन्विजिलेटर्स पे भी एप्लीकेबल होगा और स्टूडेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जब भी एग्ज़ाम के लिए आएंगे तो सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग माने एक थर्मल गन आती है जिसके द्वारा आपका बॉडी का टेम्परेचर या आपके शरीर का तापमान जो है उससे नोट किया जाएगा। अगर आपको बुखार है या किसी अन्य प्रकार का सिम्टम होगा तो आपको प्रवेश उसमें नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। तो इसके लिए आप लोग जो है स्टाफ को जो है कोऑपरेट करें और समय से पहले जो है सेंटर पर आएँ, जिससे कि स्क्रीनिंग हो पाए सबकी अच्छे से। क्यों? क्योंकि सामान्यतया जब हम लोग एंटर करते थे तो आधा घंटा पहले आप सेंटर पे आ रहे हैं, है ना, 15 मिनट पहले आपको प्रवेश दिया जाता था। लेकिन अभी का जो प्रवेश का जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होनी है ना, जांच की जाएगी आपकी, इसलिए हमें सामान्य से ज़्यादा समय चाहिएगा आपकी एंट्री के लिए। इसलिए आप सब जो बच्चे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, किसी भी कॉलेज के हो, वो सब जो है समय से पूर्व जो है अपने सेंटर पर पहुँचें। सबसे बड़ी बात ये है कि सेंटर पर पहुँचने के बाद भी हम झुंड ना बनाए। हो सकता है आप कई दोस्तों से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप उनसे हाथ मिला रहे हो, उनसे गले मिल रहे हो, है ना, या आप एक एक बहुत पास पास खड़े हो या झुंड बनाकर खड़े हो, क्योंकि इससे जो है वायरस को फैलना या कोई भी संक्रमित अगर होगा, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं आजकल असिम्टोमेटिक भी हैं, यानी उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हो सकता है वो वायरस को कैरी कर रहे हों, लेकिन इसलिए हमें जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके बैग्स, आपकी किताबें, आपके मोबाइल बिल्कुल भी सेंटर पर अलाउड नहीं होंगे, है ना। पहले के समय में ये हो जाता था कि जो दूर से आने वाले बच्चे हैं या किसी को अति आवश्यक होता था तो मोबाइल वो साथ लेके आते थे और फिर सेंटर के बाहर उनसे कहीं ना कहीं रखवा दिए जाते थे। लेकिन अब इस बार जो है ये चीज़ भी अलाउड नहीं होगी। कोई भी आपका जो सामान है, जो किताबें हैं, जो आपके बैग हैं, मोबाइल हैं, ये रखने की व्यवस्था नहीं होगी। आप कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, आपका पेन पेंसिल जो भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए चाहिए, उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा सामान अपने साथ में सेंटर पर नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, दूसरा, एग्ज़ाम जब आपका हो जाता है, पहली बात तो एग्ज़ाम सेंटर में जब आप एंटर कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि भीड़ करके या बहुत पास पास या एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आप सेंटर में एंटर कर रहे हैं क्योंकि आप लेट आए हैं, फिर आपके पास में समय नहीं है, पेपर शुरू होने वाला है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग जो है समय से आएँ और एक डिस्टेंस रखते हुए तसल्ली से सीधा अपने कमरे में जाएँ जहाँ पर कि आपका रोल नंबर है, और सीधा जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठें। जहाँ तक हो सके अननेसेसरली, बिना किसी ज़रूरत के, हम किसी भी चीज़ को, दरवाज़ों को, किसी अन्य फर्नीचर को या किसी भी चीज़ को हमें हाथ नहीं लगाना है, हमें छूना नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हम सब लोग जानते हैं, कि समय समय पर आपको अपने हाथ सैनिटाइज करते रहना है, सैनिटाइज़र लेकर आना है। महाविद्यालय के बाहर सैनिटाइज़र होगा आपके लिए, लेकिन उसके अलावा आपको एक छोटी बॉटल सैनिटाइज़र की अपने साथ में कैरी करनी है, जिसको कि आप बार बार या समय समय पर उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि
आपके कमरे के अंदर आपको सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ पर आप अपना ही सैनिटाइजर जो है लेकर आएंगे, जिसको आप प्रयोग में लेंगे। आगे हम बताएंगे किस किस तरीके से आप उसको प्रयोग में लेंगे। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है कि आपको बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। तो किसी भी हाल में ये नहीं चलेगा कि हम भूल गए या हमारे पास में नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप सब लोग मास्क पहनकर ही सेंटर पर आए, बिना मास्क के आप सेंटर पर नहीं आए, ठीक है। सिर्फ जो असिम्प्टोमेटिक जो है लोग होंगे, लोगों में हम स्टाफ मेंबर्स भी और आप बच्चे भी, उन्हीं को जो है अलाउ किया जाएगा आपके सेंटर पर, ठीक है। और अब कुछ बहुत ही सामान्य बातें हैं, सामान्य पॉइंट्स हैं जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन हम डिस्कस कर लें, एक बार फिर से रिविजन कर लें एग्ज़ाम देने जाने से पहले, क्यों वो है आप जो है बार बार हाथ धोएं, अच्छे प्रकार से हाथ धोकर ही सेंटर पर आएं। और आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जिसके लिए आप अपना जो है पानी, आपको पीना है तो आप अपना पानी पी कर आइए। 2 घंटे मैं नहीं समझती कि आपको कहीं इधर उधर जाना चाहिए, है ना, या आपको वॉशरूम जाना है, तो आप ये सब काम ख़त्म करके अच्छे से साबुन पानी से 30 सेकंड तक हाथ धोकर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर फिर ही आप सेंटर में आइए और अपने सीट पर या अपने यथास्थान बैठिए। इधर उधर घूमना जो है हमें नहीं है, इधर उधर चीज़ों को नहीं छेड़ना है, दरवाजे खिड़कियाँ दीवार या कोई भी चीज़ जो है उसको हमें बिना मतलब नहीं हाथ लगाना है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और मास्क जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपलसरी है, आप सभी स्टूडेंट्स से ये है कि आप लोग जो है चप्पल पहन के आइए, वो खुली चप्पल पहन के आएंगे, कोई मोज़े अलाउड नहीं है, कोई शूज़ आपके अलाउड नहीं है। पहले कुछ बच्चे शूज़ और मोज़े पहन के आते थे, जिनको कि हम सेंटर के बाहर खुलवा देते थे, है ना, चेकिंग के लिए। तो इस बार क्योंकि हम जो है कम से कम कांटेक्ट जो है करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, इसलिए आप लोगों को स्ट्रिक्टली ये हिदायत दी जाती है कि आप चप्पल पहन कर आएँ और बिना जेब के जो है आपकी टी शर्ट हो या आपकी पैंट्स हो या पजामा हो, वो आप पहन कर आइए या लोअर पहन कर आइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है एग्ज़ाम्स के अंदर कार्गो पैंट्स पहन के आते हैं, जिसमें खूब सारी पॉकेट्स होती है, वो कतई ही अलाउड नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली जैसे मैंने बताया कि मोबाइल जो है आप सेंटर के बाहर आप कहीं पर भी रख कर आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होगी आपका मोबाइल को स्टोर करने की या रखने की, ठीक है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इन्विजिलेटर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, सामान्यतया बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है, आदत होती है कि जब उनको कोई पन्ने पलटने होते हैं या टर्न ओवर करना होता है पेपर को, तो वो ऐसे अपना सलाइवा या अपना थूक लगाकर जो है पन्नों को पलटते हैं, वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उससे जो है संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपको पूरे समय जो है अपना मास्क पहन कर रखना है और जो है वस्तुओं को या सीधा जो है आपको जो आपकी जो टेबल चेयर या जहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है, आपको उन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। आपको पेपर लेते समय, पेपर देते समय अपने हाथ को, जो आप छोटे सैनिटाइजर्स अपने साथ में लाएंगे, उनसे हाथों को सैनिटाइज करके आपको जो है उनको हैंडल करना है, ठीक है। फिर है कोशिश करिए कि आप पानी अपना ही लेकर आए, अपना पानी पी कर फिर सेंटर में आए, कोई जो चीज़ है एक्स्ट्रा चीज़ आप नहीं लेके आए, पानी की बॉटल्स वगैरह सब अपनी सुरक्षित जगह पर, बाहर से पी कर आएँ, अपनी सुरक्षित जगह पर रख कर आएँ, ठीक है। सेंटर पर परीक्षा में प्रवेश से बैठने से पहले जो है आप अच्छे से आपके हाथ धुले हुए और सैनिटाइज होने चाहिए, तब आप परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री लें, ठीक है। फिर है सैनिटाइज़र का प्रयोग भी आप समय समय पे करते रहिए, कि जब भी आप किसी दूसरे से कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं, जैसे कि आप पेपर ले रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, है ना, कोई भी किसी और से कांटेक्ट होता है, आप तुरंत अपने सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, ठीक है। और
अपनी जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं उसके बारे में जानकारी रखिए। अपनी सराउंडिंग्स माने जहाँ पर आप रहते हैं, जिस स्थान से आप आ रहे हैं, उस जगह की भी पूरी सूचना आपके पास में होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपके आसपास कोई कंटेनमेंट जोन तो नहीं है, आपके आसपास कोई पॉजिटिव पेशेंट तो नहीं है, किसी को कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरे से 6 फीट या कम से कम 4 फीट की दूरी तो हमें हमेशा ही बनाकर रखनी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि छींकते खांसते समय जो है हमेशा आपका मुंह ढका हुआ होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब आप सेंटर में एंट्री ले लें तो मास्क आपको रिमूव करना ही नहीं है, और बार बार अपने हाथों से अपना फेस, अपनी आईज और ये सब चीज़ें हाथ नहीं लगाना है, बार बार इनको छूना नहीं है। अगर किसी को बुखार, खांसी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ़ है तो तुरंत उसकी सूचना जो है अस्पताल में या उनको देनी चाहिए, और जिससे कि आपकी जांच हो सके, ठीक है। एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोलूँगी कि आप ध्यान रखिए कि आप सेफ रहिए, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आपकी सराउंडिंग सेफ रहेगी, हमारा पूरा सेंटर सेफ रहेगा, आपके घर वाले सेफ रहेंगे, आपके आस पड़ोस सेफ रहेगा, है ना। क्योंकि हम लोग सब फाइट कर रहे हैं कोविड से, और हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्थानों से एक ही सेंटर पर आ रहे हैं। अगर हम सचेत रहेंगे, हम जो है अपने आप को सेफ रखेंगे, तो हम एक बहुत बड़ा परोपकार करेंगे इतने सारे लोगों पर, वो सब लोग भी हमारी वजह से सेफ रहेंगे, ठीक है। स्मार्ट बनिए। स्मार्ट कैसे बनिए कि अपने पास में सैनिटाइज़र रखिए, मास्क रखिए, ठीक है। कोई और नहीं पहन रहा है तो उसको आप निवेदन करिए कि आप प्लीज़ मास्क पहनिए, ठीक है। एक डिस्टेंस रखिए, ये अच्छे वो है, इधर उधर थूकना नहीं है, ठीक है। किसी दूसरे की किसी वस्तु को नहीं छूना है, अपना सामान, अपना जो पेन पेंसिल जो भी रिक्वायर्ड है आपको पेपर देने के लिए, आप स्वयं लेकर आइए और उसी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। केयरफुल रहिए, यानी ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास कोई किसी को कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहा है कि आ रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया है, तो आप अपने आप को केयरफुल रहिए, आप अपना ध्यान रखिए और दूसरे को भी जो है उसके प्रति आप काइंड रहिए, या उसके प्रति आप जो है सॉफ्ट हार्टेड रहिए कि आप उसको भी कहें अच्छे से कि आप प्लीज़ मास्क पहन लीजिए, इसमें आपकी और हमारी दोनों की भलाई है, ठीक है। अलर्ट रहिए, सपोर्टिव रहिए। सपोर्टिव का मतलब कैसे है कि हम अगर अपना ध्यान रख रहे हैं, हम अपनी केयर कर रहे हैं, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि मास्क लगा रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सपोर्टिव हैं दूसरों के प्रति भी। हम अपने प्रति अपने आप को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन हम किसके प्रति सपोर्टिव हैं, अपने घर वालों के प्रति सपोर्टिव हैं, क्योंकि अगर हमें इन्फेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हमारे घर वाले भी उसकी चपेट में आएंगे, या उनको भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। हमारे आस पड़ोस, हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, है ना, हमारे जानकार हैं, उन सबको जो है उनके प्रति हम सपोर्टिव रहेंगे अगर हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हम सब जो है फॉलो करेंगे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर आएंगे। अपना जो भी आपका एडमिशन कार्ड है, जो भी आईडीज़ हैं, वो सब आप लेकर आएंगे, पहले से ओपन होगा, दूर से दिखाएंगे, किसी को इधर उधर टच नहीं करेंगे। और जो आपको बताया गया है कि आप बहुत सारी ऐसे कार्गो पैंट्स और ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे कि जो कि डाउटफुल हो, आप ये मानकर चलिए कि ऐसा नहीं है कि आपको वो अलाउड होगा कि हम आपको छुएंगे नहीं तो ये सब चीज़ें अलाउड होगी, ठीक है। हम ऐसी व्यवस्था भी रखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें फ्रिस्किंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमें आपकी जो है जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही आप इस तरीके से आइए कि हम भी आपको नहीं छुएं और आप भी जो है सेफ रहें, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम्स के लिए। ये बहुत अच्छा जो है कि हम लोग जो है एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, और हम लोग जो है अभी जो एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी, एक अनबैलेंस सिचुएशन जो बनी हुई थी
कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम आगे क्या करेंगे। तो ये हम सबके लिए अच्छा है कि अभी सरकार ने ये कर दिया है कि हम एग्ज़ाम्स हमारे हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के, हम इनको सफल बनाएं, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, इन सब नियमों को का पालन करके, अपने आप को सेफ रख के और हमारे आसपास के लोगों को सेफ रख के। तो ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, मैं ये MDS यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, पर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये सभी पे एप्लीकेबल है, हमारे पे, टीचर्स पे, आप सब पे, है ना। सब लोग जो है मास्क पहनकर, जहाँ पे ज़रूरत है ग्लव्स लेकर, सैनिटाइज़र हमेशा हमारे पास में होना चाहिए। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट।